जापान से आया। माँ की दान दान चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल पड़ी, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली। गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी, झूमे धरती नाचे अंगर मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को लाना है सत्ता में, हमारे को सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, हमें लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल चाहिए, और वो निर्माण आप ही लोग जब अपने स्वाभिमान को जागृत करोगे हो पाएगा। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि वो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का ये घोष राष्ट्रभक्तों के मन में जहां एक ओर आशा की किरण पैदा कर रहा था, वहीं विरोधियों को बता रहा था कि भारत में रहने के लिए इसे अपनी मातृभूमि, पितृभूमि व कर्मभूमि मानना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन टिकेगी वही जो कर्म से प्रभु श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलेगी।